नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सक्सेस में आप सबका स्वागत करते हैं। अब चर्चा करते हैं व्रत त्यौहार की। 2 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या, 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत, 7 को गणेश चतुर्थी और 8 को ऋषि पंचमी है। अब चर्चा करते हैं राशि परिवर्तन की। 4 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे, बुध की राशि में मंगल विराजमान रहेंगे, पंचम भाव में सिंह और मरकरी युति होने जा रही है, छठा भाव में कन्या राशि में मून और वीनस की केतु की युति रहेगी और एकादश भाव में शनि रहेंगे और 12वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। मेष राशि। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि में चंद्रमा 5वीं, 6ठी, 7वीं भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह आपका काम काज के लिए बहुत ही अच्छा समय है। काम काज में तरक्की होगी, सरकारी कार्य से भी अधिक लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य न्यूनतम हो सकता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल से अच्छे नाम अर्जित करेंगे। इस सप्ताह मध्य में आपके लिए परेशानी वाली हो सकता है। इस समय कोई भी जोखिम भरा कार्य ना करें, गलत मित्रों की संगति से बचे, कोई भी गलत काम ना करें, अपने कार्य खुद को करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। इस सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। घरेलू माहौल के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव का माहौल दिख सकता है। उपाय, हरतालिका तीज व्रत करें, भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि में आपकी राशि चंद्रमा 4थे, 5वें या 6ठे भाव से गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के शुरुआत में यह सप्ताह जो आप अपने आप को सुधारने के लिए जो भी कार्य करें उस पर एक बार सोच समझ लें। खर्च करना चाहिए, आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला समय है। सोच समझ कर खर्च करें। वाहन और भवन के लिए भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। माँ का सहयोग मिलेगा। शासन और सत्ता में बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह वाहन और भूमि रिटेल संबंधित थोड़ा ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में ज्यादा अच्छा नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ सकता है। इस राशि के विद्यार्थी को कठिनाइयों और परेशानियों का समय हो सकता है। बच्चों पर नजर रखें, महिला मित्र से दूर रखें, सावधान रहें। माँ के लिए यह अच्छा समय है। सुख में माँ का वृद्धि होगी, माँ हेल्थी रहेंगी। और वैवाहिक जीवन के साथ दूर घूमने जाएं या वैवाहिक आपकी जीवन साथी संस्कारी होगी, नहीं तो जीवन साथी से धन भी आ सकता है। शनि देव का पूजा करें। धन्यवाद।